ओके स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज पॉलिनेशन। सो बेसिकली व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल। एज यू कैन सी दैट देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ एन इंसेक्ट जो एक फ्लावर पे बैठा है एंड देन वो दूसरे फ्लावर पे बैठा है। जब वो एक से दूसरे फ्लावर पे जाएगा तब उसके बॉडी पे जो भी पॉलन ग्रेन्स है दैट विल स्टिक टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर प्लांट, अनदर फ्लावर बेसिकली। ठीक है, सेम प्लांट में भी हो सकता है, डिफरेंट प्लांट में भी हो सकता है, ये हम आगे पढ़ने वाले। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, द फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। Autogamy means self-pollination. It is the transfer of pollen grains from the anther to stigma of the same flower. Autogamy, self-pollination, किसमें हो सकती है? सिर्फ bisexual flowers के केस में हो सकती है। Same flower से pollen grains उठ के same flower के stigma पे जा रहे हैं। In the flowers with exposed anthers and stigma, complete autogamy is rare. अब जो बड़े बड़े फ्लावर्स हैं जिनके जो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करने के काबिल हैं, उनमें तो autogamy नहीं होगी बिकॉज वो क्रॉस पॉलिनेशन करने के काबिल है। बेसिकली इंसेक्ट्स आएंगे वो क्रॉस पॉलिनेट करवा देंगे। autogamy is required in such flowers में सिंक्रोनी होनी चाहिए। बेसिकली क्या होता है, अगर किसी ने क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन करवानी है तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कुछ अडेप्टेशन करनी पड़ती है फ्लावर को। वो अडेप्टेशन कुछ इस तरीके की होती है कि जो स्टिग्मा है एंड जो एंथर है बेसिकली वो सेम फ्लावर के ऊपर जा सके, इसको हम बोलते हैं सिंक्रोन। ओके, पॉलन भी रिलीज सेम टाइम पे होना चाहिए एंड स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी भी उसी टाइम एक्टिवेट होनी चाहिए एंड क्लोज तो होने ही चाहिए। ठीक है, नाउ प्लांट्स लाइक वायोला, वायोला का नेम क्या है? कॉमन पैंसी। द कॉमन नेम ऑफ वायोला इज पैंसी, ऑक्सिलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, चैस्मोगैमस फ्लावर एंड क्लीस्टोगैमस फ्लावर। सी इस डायग्राम में आपको दिख रहा है चैस्मोगैमस फ्लावर वो वाले होते हैं जो ओपन कर जाते हैं, क्लीस्टोगैमस फ्लावर वो वाले होते हैं जो क्लोज ही रहते हैं, जो ओपन नहीं होते। ठीक है, ऑटोगैमी वायला में होती है एंड ऑक्सिली एंड कॉमेलिना में होती है, कॉमेलिना के भी, क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स में भी। देखो इस इन दो प्लांट्स में दो टाइप के फ्लावर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? टू इंश्योर कि अगर इन द केस क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रही है तो सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही जाए। एंड सेल्फ पॉलिनेशन की कुछ इस टाइप से एडेप्टिविटी बनाई गई है कि फ्लावर्स ही बंद है, फ्लावर्स बंद है तो ऑब्वियसली एंथर एंड स्टिग्मा में पास पास है। जैसे ही एंथर मैच्योर होगा स्टिग्मा मैच्योर होगा वो दोनों क्या कर लेंगे? पॉलिनेशन कर लेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन एंड अल्टीमेटली फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली दैट इज टू डबल श्योर द की प्लांट है जो वो एक्सटेंड ना हो पाए और उसकी जो है कॉन्टिन्यूटी वो बनी रहे। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, चैस्मोगैमस फ्लावर्स जैसे आपने पढ़ लिया, they are similar to the flowers of other species with exposed anthers and stigma. Chiasmogamous flowers hote hain jo khule hue flowers hote hain and cleistogamous flowers kya hote hain? They do not open at all. As you can see that the cleistogamous flowers do not open at all. Anthers and stigma of the cleistogamous flowers lie close to each other. They are autogamous, means they are capable of self pollinating. When anthers dehiscence in the flower buds, pollen grains come in contact with stigma for the pollination.
जब एंथर मेच्योर हो जाता है तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के पास, मतलब स्टिग्मा बेसिकली एंथर के पास जाके पॉलन ग्रेन को कैच कर लेता है. एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस अश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स. कि ये क्या है, ये एक डबल सेट है, डबल सेट जिसकी वजह से इंश्योर कर दी जाती है कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ जनरेशन तो होगी ही होगी, चाहे पॉलिनेशन हो रही है, पॉलिनेटर्स प्रेजेंट है या पॉलिनेटर्स नहीं प्रेजेंट, पॉलिनेशन तो इनकी हो ही जाएगी, फर्टिलाइजेशन इनकी हो ही जाएगी. बट अब ऑटोगैमी का जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, दैट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. अब ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या चीज है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज समथिंग, अगर कोई प्लांट है वो सेल्फ पॉलिनेट करता रहेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ने भी सेल्फ पॉलिनेट किया, आफ्टर 10 जनरेशन जो सेल्फ पॉलिनेट कर रही है उनकी उनकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी बेसिकली कम हो जाती है, यील्ड कम हो जाती है, एंड उनके जो जेनेटिक कैरेक्टर्स है ना वो बहुत ही ज्यादा लूज हो जाते हैं, लाइक स्ट्रेंथ प्लांट की बेसिकली कम हो जाती है. तो उसको जरूरत पड़ती है कि वो क्रॉस पॉलिनेट करे एंड स्ट्रॉन्ग हो जाए. ठीक है, इसी चीज के लिए चैस्मोगैमस फ्लावर प्रेजेंट है. चैस्मोगैमस फ्लावर्स क्या इंश्योर करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन होगी. क्रॉस पॉलिनेशन होगी तो जेनेटिक मटीरियल भी एक्सचेंज होगा, एंड जेनेटिक मटीरियल भी एक्सचेंज होगा तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा तो जो बेसिकली द प्लांट है वो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, नाउ जिटोनोगैमी क्या होता है कि सेम प्लांट है, सेम प्लांट के ऊपर, सेम प्लांट क्या है, डायोशियस है, मतलब उसमें मेल फ्लावर भी ग्रो कर रहे हैं एंड फीमेल फ्लावर भी ग्रो कर रहे हैं. तो एक ही प्लांट से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जब क्रॉस पॉलिनेशन होती है उस टाइप की पॉलिनेशन को जिटोनोगैमी बोला जाता है. ऑटोगैमी क्या होती है? ऑटोगैमी तो बिल्कुल क्लियर है. क्रॉस पॉलिनेशन में बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, या हम बोलते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ही हमारे थ्री टाइप्स के हैं, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड देन प्रॉपर क्रॉस पॉलिनेशन. जिटोनोगैमी में क्या होता है कि सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स. इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. Transfer of the pollen grain from the anther to the stigma of another flower of same plant. It is functionally cross-pollination involving a pollinating agent. Functionally तो cross-pollination है, क्योंकि cross-pollination तो हो ही रही है ना, pollinator की जरूरत तो पड़ेगी, चाहे flower पास में है चाहे 10 किलोमीटर दूर है, pollinator की जरूरत तो पड़ ही रही है. तो functionally क्या है, ये cross-pollination की तरह है, पर जेनेटिक मटेरियल तो सेम है, इसलिए जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपको मतलब क्वेश्चन आएगा, आपको पक्का आएगा कि व्हाट इज जिटोनोगैमी या विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिकली ऑटोगैमी, दैट इज जिटोनोगैमी. सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट, अब पॉलन ग्रेन्स सेम प्लांट से आ रहे हैं, जेनेटिक मटीरियल तो सेम है, लेकिन लेके उसको कौन आ रहा है, पॉलिनेटर लेके आ रहा है, इसीलिए फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ जीनोगैमी, जो हमारी प्रॉपर क्रॉस पॉलिनेशन होती है ना उसको बोलते हैं जीनोगैमी. अब ये जीनोगैमी क्या चीज है? जीनोगैमी इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट, एंड यही एक टाइप की पॉलिनेशन है जो जेनेटिक डिफरेंस लेके आती है हमारे प्लांट में. ठीक है, जेनेटिक डिफरेंस. नाउ हम पढ़ते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में हमारे दो टाइप्स के एजेंट्स हैं बेसिकली. फर्स्ट वन इज द एबायोटिक. एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग,
नॉन लिविंग में कौन आएगा? विंड आएगी भाई, हवा, और पानी आएगा, जल, वाटर. बायोटिक एजेंट में सभी जिंदा आ जाएंगे, सभी जिंदा ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, प्राइमेट्स, रोडेंट्स, इवन रेप्टाइल्स, स्नेक्स, यू कैन से, एंड मैमल्स आल्सो, एवरीथिंग एल्स दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ पॉलिनेशन. अच्छा भाई, इन्होंने प्राइमेट्स क्यों लिखा? क्योंकि मैमल्स बेसिकली, बाकी मैमल्स जो है, इफ यू विल टॉक अबाउट द कैट, डॉग एंड अदर्स, क्या करेंगे वो तो बेसिकली फ्लावर्स ही खा जाएंगे. पॉलिनेशन में भी करते हैं, बट अगर फ्लावर ही खा गए तो पॉलिनेशन का क्या फायदा? नाउ टू द एबायोटिक एजेंट्स. फर्स्ट एबायोटिक एजेंट, द फर्स्ट एजेंट ऑफ पॉलिनेशन इज विंड. Wind pollination is known as anemophily. Anemophily. Anemophily is the word that is given to the wind pollination. It is most common abiotic agent. Why? Because most of the plants are terrestrial. Terrestrial hai, to hawa ka hi prayog karenge. इसीलिए इसको क्या माना जाता है? मोस्ट मोर कॉमन एबायोटिक एजेंट माना जाता है. अब विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के पास सिंगल ओव्यूल होती है और उसकी ओवरी में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं इनफ्लोरेसेंस में. ठीक है कि भाई क्या चीज है इनफ्लोरेसेंस? है इनफ्लोरेसेंस में क्या होगा कि विंड है, हवा, हवा पॉलिनेटर लेके आ रही है, कोई ना कोई तो कैच कर ही लेगा ना, मतलब कुछ तो कैच हो ही जाएगा. अगर एक एक भी फ्लावर ने पॉलन ग्रेन कैच कर लिया, एटलीस्ट उसकी तो पॉलिनेशन होगी ना. इसलिए ये जस्ट एडाप्टेशन है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म है, आइदर दैट इज प्लांट और एनिमल, सभी अपनी एश्योरिटी को लेके चलते हैं कि हमें श्योर होना है, कुछ भी हो जाए हमें पॉलिनेशन करवानी ही करवानी. फॉर एग्जाम्पल द कॉर्न कॉब टासल्स, जो कॉर्न कॉब होते हैं उसमें स्टिग्मा एंड स्टाइल विंड में वेव करते हैं ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सके. ऑन द अदर हैंड वी हैव द स्टिग्मा वेरी 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 फेदरी and the pollen grains are also very light so that wo ud sake hawa. Wind pollination is quite common in grasses mein kya hoti hai, quite common. Now inki adaptations kya kya hai? Flowers produce large amount of pollen. They often possess well exposed stamens for easy dispersion of the pollens into the wind. Okay? Pollen grains बहुत ज़्यादा होते हैं. Comparatively, the ovary जो होते हैं कम होती हैं. Female flowers जो होती हैं वो कम होती हैं. ठीक है? And वो inflorescence में बंधे होते हैं. जो flowers wind pollination करते हैं, उनके stamen जो हैं काफी ज़्यादा लंबे होते हैं and wind में well exposed होते हैं so that wind में वो उड़ सके. उनका जो स्टिग्मा होता है दैट इज लार्ज एंड फेदरी टू ट्रैप एयर बॉर्न पॉलन ग्रेन्स. नाउ द नेक्स्ट एबायोटिक एजेंट इज हाइड्रोफिल. जो हाइड्रोफिली है जो हाइड्रोफिली है बेसिकली हाइड्रोफिली वाटर के थ्रू होती है, तो ऑब्वियसली जो प्लांट्स वाटर में ग्रो करते हैं वो वाटर के थ्रू ही पॉलिनेट करेंगे. विंड के थ्रू भी कर सकते हैं इफ दे आर एक्सपोज्ड इन द विंड, बट मेजरली द वाटर ग्रोइंग प्लांट्स और द एक्वाटिक प्लांट्स पॉलिनेट विद द हेल्प ऑफ वाटर. पॉलिनेशन बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली. इट इज क्वाइट रेयर
it is limited to 30 genera only, the monocots. All are monocots, and sirf 30 hi plants mein, 30 genus mein hi, dekho 30 genus mein 30 plants nahi aate hain. 30 genus hai to unke aage kafi species ho sakte hain, like ek genus ke kafi species ho sakte hain, but comparatively it is very limited kyunki aquatic plants hi limited hai, and aquatic plants mein water pollination karne wale bhi limited. इसका एग्जांपल है वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला. वेलिसिनेरिया इज अ फ्रेश वाटर एंड जिस्टेरा. वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला बोथ आर फ्रेश वाटर. ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज द वेलिसिनेरिया, दिस इज द हाइड्रिला एंड दिस इज द जिस्टेरा. बट इन लोअर प्लांट्स वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमेट्स. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ब्रायोफाइट्स एंड यूरोफाइट्स इज लिमिटेड बिकॉज दे नीड वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन. देखो देखो बिकॉज दे नीड वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर फर्टिलाइजेशन. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इन वेलिसिनेरिया द फीमेल फ्लावर reaches the surface of water by long stalk and the male flowers or the pollen grains are released on the surface of water. These are carried by water currents and reach the female flowers. In the sea grasses, female flower remains submerged in the water. In the sea grasses, the female flowers remain submerged in the water. Pollen grains are long and ribbon-like. They are carried inside the water and reach the stigma. Abiotic agents. The pollen grains of most water pollinated species have a mucilaginous layer so that it is protected from the covering as well as it is protected from the friction that is caused by water. Of course not all aquatic plants use hydrophilia. Ye maine bataya aquatic plants what jaise ki we can have a very big example of water hyacinth. Wo kya karte hain, vegetatively propagate karte hain na, and wo anemophily bhi kar sakte hain. Wind and water pollinated flower na apni energy nahi waste karte hain apne flowers ko attractive banane mein. They just spend their energy on making the stigma more feathery and making the pollens in great number. Okay. Now, animals. अब हमने biotic agents कर लिए. Biotic agents पे आते हैं. Biotic agents are the majority of pollinators. Majority of pollinators are biotic. सबसे ज्यादा आते हैं बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वैस्प्स एंड मॉथ. बर्ड्स वाले कम होते हैं एंड बैट्स वाले उससे भी कम होते हैं. देन प्राइमेट्स वाले उससे भी कम हो जाते हैं. आर्बोरियल तो कई प्लांट्स ही होते हैं, यू नो सम एनिमल्स आर आर्बोरियल बेसिकली, जो कि ट्रीज के ऊपर रहते हैं, ट्री ड्वेलिंग होते हैं रोडेंट्स, तो वो उनका लाइक नंबर कम होता है. तो फिर ऑब्वियसली दे आल्सो पॉलिनेट लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्लांट्स. देन रेप्टाइल्स, कई रेप्टाइल्स हैं वो गार्डन्स में ग्रो करते हैं या फिर फॉरेस्ट के ऊपर या ट्रीज के ऊपर रहते हैं, वो भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज पॉलिनेशन बाय
एंटोमोफिली इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, वैस्प, एंट्स, मॉथ सब आ जाते हैं, ये मेजर है, मेजर बर्ड्स वाले कम होते हैं, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल, वैस्प, एंट, मॉथ्स, आई एम स्पीकिंग अगेन, इनका जो नंबर है ये सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे ज्यादा पॉलिनेटर्स होते हैं नेचर में. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर द इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट्स, एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन इज नोन एज एंटोमोफिली. एंटोमोफिली इज मोस्ट कॉमन. ये क्वेश्चन आपको आ सकता है. ओके, उनमें से भी सबसे ज्यादा बीज कॉमन. Often flowers of annual pollinating plants are specifically adapted for particular species of animal. जिस टाइप का इंसेक्ट आ रहा है, जिस टाइप का एनिमल आ रहा है ना, उस टाइप से फ्लावर्स जो है वो अडेप्टेड होते. इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि बटरफ्लाइज को सुंदर फ्लावर पसंद है, ऑन द अदर हैंड फ्लाइज मतलब मक्खियों को गंदे फ्लावर्स पसंद है. ठीक है, लेट अस रीड फीचर्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स. लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर. नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर द फ्लोरल रिवॉर्ड्स फॉर पॉलिनेशन. कोई भी एनिमल पॉलिनेशन कर रहा है, उसकी कोई मेहनत नहीं लग रही है, लेकिन उसको बदले में फिर भी नेक्टर मिल रहा है. Small flowers from inflorescence to make them visible. अगर कोई फ्लावर छोटा है तो उसको इनफ्लोरेसेंस में मतलब ग्रुप्स में बनाया जाता है, सो दैट वो विजिबल हो जाए. द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स गंदे फूल होते हैं, उनकी गंदी स्मेल होती है, उनका कलर भी गंदा सा होता है, सो दैट वो फ्लाइज को अट्रैक्ट, वो गंदे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट. अब पॉलन ग्रेन्स होते हैं स्टिकी. इंसेक्ट भाई, इंसेक्ट तो नेक्टर लेने के लिए आ रहा है, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स का काम है उन पे चिपकना, तो पॉलन ग्रेन्स को स्टिकी होना पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज व्हेन द एनिमल कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एंथर्स इन द स्टिग्मा, इट गेट्स अटैच्ड, स्टिक्ड टू इट्स बॉडी. ठीक है, कोई भी बी आ रहा है, जैसे बी, बी की एग्जांपल यहाँ पे बहुत अच्छे से बताई हुई है. बी कोई भी पार्ट अपना लगाएगा वहां पे जहाँ पे नेक्टर है, नेक्टर वेसल्स होती हैं बेसिकली, नेक्टर ट्यूब्स बोलते हैं जिनको, उनमें से वो नेक्टर लेगा तो उसके ऊपर पॉलन ग्रेन चिपक जाएगा. व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा, इट रिजल्ट्स इन पॉलिनेशन. भाई उसकी भूख है, एक फ्लावर से तो मिटने नहीं वाली है, तो वो एक से दूसरे फ्लावर पे भी जाएगा, सेम प्लांट के भी जाएगा, डिफरेंट प्लांट के भी जाएगा. तो जैसे ही वो ऐसे जाता है, शिफ्ट करता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, तो क्या हो जाती है, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है. फर्स्ट टाइम में वो क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन लगवा रहा है, अपने पॉलन ग्रेन उसके ऊपर चिपक रहा है. नेक्स्ट टाइम में क्या हो रही है, नेक्स्ट टाइम में वही पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे लग रहा है और पॉलिनेशन कॉज कर रहा है. Now, बात करते हैं एनिमल्स की. सम प्लांट्स प्रोवाइड सेफ प्लेसेस एज फ्लोरल रिवॉर्ड टू ले एग्स. पहले तो था नेक्टर, नेक्टर वाले प्लांट्स थे इंसेक्ट्स वाले, वो इंसेक्ट्स को नेक्टर दे रहे थे, नेक्टर क्या कर रहे थे, पॉलिनेशन कर रहे थे. अब एमोर्फोफेलस एंड यक्का प्लांट ऐसे प्लांट्स है जो सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं सो दैट एनिमल्स आके उनके ऊपर एग लेस कर सके, क्योंकि एनिमल्स को एग्स ले करने के लिए क्या चाहिए, एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, और वो सेफ एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करता है, उनको प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं. अ मॉथ स्पीशीज एंड अ प्लांट यक्का कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, एंड दिस इज नोन एज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन. आपको पता ही है सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज अ काइंड ऑफ एसोसिएशन जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स का आपस के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता. The moth deposits its egg in the locule of the ovary. The flower gets pollinated by the moth. The larva come out of the eggs and the seeds start developing. कुछ समझ आया? Moth अपने eggs लगा लेता है, ठीक है? और क्या कर देता है? Pollinate कर देता है flower को. On the other hand, larva जब बाहर आ जाते हैं तो वो क्या कर देते हैं?
वो अपना खाना ले लेते हैं प्लांट से. एंड दिस वे दोनों को बेनिफिट होता है एंड दोनों ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते एक दूसरे के बिना. मैनी इंसेक्ट्स कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन. दीज आर नोन एज नेक्टर रॉबर्स और पॉलन रॉबर्स. क्योंकि कई इंसेक्ट्स इस टाइप के होते हैं कि वो पॉलिनेशन कर ही नहीं पाते, इसलिए उनको क्या बोल देते हैं, रॉबर्स बोल देते हैं. क्योंकि वो कोई काम तो कर नहीं रहे, ठीक है, पैसे उसको ही मिलते हैं जो काम करता है. मतलब कि पैसे और रिवॉर्ड, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवॉर्ड्स इन दिस केस. रिवॉर्ड्स तो उसको ही मिलते हैं जो बंदा काम करता है. अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा. Now, अब हमने पढ़ लिया कि सेल्फ पॉलिनेशन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज कर लेता है. इसीलिए सम प्लांट्स ना क्या करते हैं, कई प्लांट्स तो अडेप्टेड होते हैं कि वो सेल्फ पॉलिनेशन करें, कई प्लांट्स अडेप्टेड होते हैं कि वो क्रॉस पॉलिनेशन करें. टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन देर आर सम डिवाइसेज इन प्लांट्स एंड दीज डिवाइसेज आर नोन एज द आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज. ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, लेट अस रीड. अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन, सिंक नहीं होगा दो चीजों में तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी. मतलब स्टिग्मा कहां पे है, स्टेमन कहां पे है, पहुंच ही नहीं सकता एक सेम प्लांट पे. दैट इज द डिफरेंस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन. The pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive before the pollen is released. अब देखो, इसमें difference आ जाता है कि maturity का. First difference होता है positions का. Anther and stigma are at different position. Next difference होता है maturity का, कि जब जब pollen grains matured है तब क्या है, जब पॉलन ग्रेन्स मैच्योर है तब प्लांट मैच्योर नहीं है, मतलब स्टिग्मा मैच्योर नहीं है. जब स्टिग्मा मैच्योर हो गया तो पॉलन ग्रेन्स क्या हो गए, एक्सपायर हो गए. नेक्स्ट थिंग इज कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे रख दिया. थर्ड थिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. उनका कई प्लांट्स में एक ना जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से खुद का पॉलन ग्रेन उस पर फर्टिलाइज ही नहीं हो पाता. इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. एंड कई फ्लावर्स क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक ही सेक्स होगा तो उनको क्रॉस फर्टिलाइजेशन करनी ही पड़ेगी. ठीक है, इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी. बट डायोशियस प्लांट्स में दोनों ही हो जाते, दोनों ही अवॉइड हो जाते. ऑटोगैमी भी अवॉइड हो रही है एंड जिटोनोगैमी भी अवॉइड हो रही है. ओके, सो आज का हमारा इतना ही टॉपिक था. थैंक यू.